हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी रूम। स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट नंबर 2 है ये। ओके, ये यूनिट नंबर 2 है। देखिए तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो अब सबसे पहला टर्म जो हमारे सामने आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमारे मन में जानने की इच्छा होती है कि भाई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल का सीधा मीनिंग अगर मैं आपको बोलूँ मैं, तो पोटेंशियल का जो सीधा मीनिंग होता है वो होता है लेवल ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल का सीधा और साफ मीनिंग होता है लेवल ऑफ एनर्जी। वी नो दैट ए लिक्विड, सो मीनिंग फिजिकल, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी नो दैट ए लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। जैसे कि ये लिक्विड रखे हुए हैं दो, अगर आप इनको ज्वाइन कर देंगे तो डजेंट मैटर किस में कितना पानी है, ये देखा जाएगा कि किसका लेवल हाई है। तो जैसे ये जो लेवल हाई है और ये जो लेवल लो है, तो जो पानी होगा वो हाई लेवल से लो लेवल में जाता है। मतलब लिक्विड के केस में क्या मैटर करती है, हाइट मैटर करती है। लिक्विड के केस में जो होती है वो हाइट मैटर करती है कि हाइट किसकी ज़्यादा है। तो इन द केस ऑफ लिक्विड जो पोटेंशियल तय होता है वो हाइट से तय होता है ना, हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। इन फिगर 2.1, ये जो फिगर 2.1 दिया गया है, टू वेसल ए एंड बी फिल्ड विद अ वाटर आर कनेक्टेड बाई ए मीन्स ऑफ अ ट्यूब विच इज प्रोवाइडेड विद अ टैप टी, ये टैप टी लगा हुआ है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल ए इज मोर देन द वेसल बी, ए में वेसल में पानी ज़्यादा है, ओके यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है और बी में पानी कम है। बट द वेसल बी इज बींग नॉर ओवर, मगर जो वेसल बी है वो नॉरो है, सकरा है, पतला है, है ना। द लेवल ऑफ द वाटर इज हाई देन द लेवल ऑफ वाटर इन वेसल ए। When the tap is opened, we find that the water flows from the vessel B to vessel A. The reason is that the direction of flow of water depends on the height of the water level. It doesn't depend on the amount of the water. It depends on the height of the water level. Okay. So, the reason is that the direction of flow of water depend on the height of the water level, that is the pressure. Because, बेटा मैं बता देता हूँ आपको, 11th क्लास में जो वाटर का जो प्रेशर तय होता है वो वाटर कॉलम की हाइट से तय होता है। किसी भी पॉइंट पर कितना प्रेशर लगेगा वो वाटर कॉलम की हाइट से। तो यहाँ पे हाइट ज़्यादा इसलिए प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ओके, वैसे बता देता हूँ, काम का तो नहीं है, प्रेशर ऑफ, हाँ, पास्कल प्रेशर लॉ। तो पी पी इक्वल्स टू रो जी एच, ये फॉर्मूला होता था वाटर लेवल की हाइट का। तो जिसकी हाइट ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रेशर एनर्जी ज़्यादा बनेगी, एनर्जी मीन्स पोटेंशियल सम वॉट, है ना, दैट इज प्रेशर। तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन फ्रॉम द हाई लेवल टू अ लो प्रेशर रीजन, दैट इज एट अ लो लेवल टिल द टू वेसल अटेन द वाटर एट द सेम लेवल। कब तक पानी बहेगा, जब तक दोनों के लेवल सेम ना हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ करके यहाँ तक आ जाएगा और ये पानी घट करके यहाँ तक आ जाएगा। अगर दोनों की हाइट सेम हो जाएगी तो दोनों का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, रो जी एच, तो दोनों फिर पानी नहीं बहेगा एट द सेम लेवल। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंड इन द वेसल, मतलब पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ उस बात से कोई मतलब नहीं है। ओनली मतलब है कि भाई आपका पानी का हाइट कितना है। सिमिलरली इफ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, अगर दो अलग अलग बॉडी, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का टेम्परेचर कम है, दोनों को अगर कॉन्टेक्ट में रख दो तो आपको पता होगा जो हीट ट्रेवल करती है वो हाई टेम्परेचर से कहाँ जाती है, लो टेम्परेचर की तरफ, समझ गए ना, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो ये भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है ना। हाँ, हीट फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू अ लो टेम्परेचर, यस। When an iron ball after heating it, when a iron ball after heating separately, it put into a bucket containing water at normal temperature, the heat flows from the ball to the water till the ball and the water acquire the same temperature. The reason is that the temperature ball is higher than the water because पानी का तापमान कम होता है, iron ball का ज़्यादा होता है। Although the heat contents ball are much less that the total heat contains of water, एक मिनट, although the heat contents of ball are much less than the heat contents of water, इस लाइन का मतलब क्या कहना चाह रहा है, the reason is that the temperature of the ball is higher than the water, although the heat contents of ball the heat contents of ball are much less the total heat contents of the water,
हाँ मतलब ये एक्चुअली अमाउंट पे जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा यदि मान लो इसमें बॉल डाल दोगे, ये बॉल आपने डाल दिया, ओके, तो मैटर वाइज आप देखो, अगर मैटर वाइज जो जगह जो ले रहा है बॉल वो बहुत कम है और पानी की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, समझ गए ना, पानी की अमाउंट क्या है बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, मगर टेम्परेचर एक फैक्टर है, जैसे यहाँ पे प्रेशर, हाइट एक फैक्टर थी, क्या फैक्टर थी, हाइट, तो ऐसे यहाँ पर जो फैक्टर बनता है वो टेम्परेचर बनता है, एनर्जी के ट्रांसफर का जो फैक्टर बनता है वो क्या बनता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बनता है, इस गोले का मास नहीं बनता, इस गोले का वॉल्यूम नहीं बनता है, समझ गए ना, तो यही बात ये कही जा रही है कि ऑल दो द हीट कंटेंट्स ऑफ बॉल आर मच लेस देन द टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ वाटर, अगर तुलनात्मक रूप से बात करी जाए तो मतलब बॉल के अंदर जो मैटर है वो बहुत कम है और वाटर के अंदर मैटर बहुत ज़्यादा है ना, हाँ, तो वो टेम्परेचर से डिसाइड होता है। एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स लेवल, जैसे कि पानी का लेवल से डिसाइड होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज डिटरमाइंड बाई द इट्स टेम्परेचर, यस। सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द टू चार्ज कंडक्टर, हाँ अब चार्ज पे आ जाइए, यहाँ तक आ गए टेम्परेचर पे। सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द टू चार्ज कंडक्टर, दैट इज डायरेक्शन फ्रॉम द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी तरीके से चार्ज का जो फ्लो होता है वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फ्लो किस तरफ होगा। मान लो एक बॉडी है, ओके, इसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये दूसरी छोटी सी बॉडी, इसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ओके, कुछ चार्ज इसके ऊपर है, कुछ चार्ज इसके ऊपर है, तो जो बेटा चार्ज का फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इफ दिस पोटेंशियल इज ए, इफ दिस पोटेंशियल इज बी, तो जब इतना तो समझ में आ ही रहा हम लोग को कि भाई इस पे ज़्यादा चार्ज है मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और इसका पोटेंशियल कम होगा, तो मैं अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, समझ में आया, तो यही बात कही जा रही है यहाँ पे कि एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर इज डिटरमाइंड फ्रॉम द लेवल, यहाँ तक तो आ गए थे हम, एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर डज डिपेंड ऑन द टोटल, यहाँ पे थे हम लोग, सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द टू चार्ज कंडक्टर्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल हीट कंटेंट्स, सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द टोटल चार्ज, जी हाँ ये नोट करिए, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड द अमाउंट ऑफ द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना इससे मतलब नहीं है, पोटेंशियल कितना इससे मतलब है, तो मैं एक्चुअली वी पे डिपेंड करेगा, ये बात अलग है कि हमको देखने में लग रहा है कि इसके पास चार्ज ज़्यादा है और इसके पास चार्ज कम है तो ज़्यादा से कम की ओर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखा जाएगा ज़्यादा एनर्जी किसकी है, ओके, ज़्यादा एनर्जी किसकी है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये मान लीजिए कि ये आपके पास कोई छोटा सा कंडक्टर है, ओके, इसके ऊपर चार्ज लवालब भरा हुआ है, ओके, चार्ज भरा हुआ है, ये देखिए दूसरा कंडक्टर है बहुत बड़ा है ना, चार्ज इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, तो मान लो बेटा कि 9 पॉजिटिव इसके ऊपर है, 9 पॉजिटिव इसके ऊपर है, ओके, तो अब आप इनको देख करके ये नहीं बता सकते हो कि कौन किसको चार्ज देगा, उसके लिए हमको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, समझ गए ना, और यकीन मानो जब आप निकालने बैठोगे तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा आएगा और इसका कम आएगा, मतलब ये जो छोटा वाला है बड़े वाले को चार्ज खिलाएगा, हमारी फीलिंग क्या कह रही थी, बड़ा वाला छोटे वाले को चार्ज देगा, बट इसका अपोजिट होगा, छोटा वाला बड़े वाले को चार्ज देगा, उसका रीज़न ऐसा है कि इसके पास एक्चुअली जगह है कम और जगह कम में चार्ज ठुसे हुए हैं, तो इनके घर में ज़्यादा तनातनी होगी, बकबक होगी, बोलो हाँ, तो ये एक दूसरे को ज़्यादा नापसंद करेंगे, मतलब इनकी रिपल्सिव एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, वो जो रिपल्सिव एनर्जी होती है उसी को एक्चुअली बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, समझ गए ना, इसके कारण ये दूर जाना चाहेंगे, तो इनका पोटेंशियल हाई है, क्या हो इसका पोटेंशियल हाई है, समझ गए ना, आपके घर में कोई आस पड़ोस के बगल में कोई खतरनाक लोग रहते हो तो बोलते हैं भैया उनसे 2 कदम दूर रह के चलना, है ना, उनके गेट में भी धक्का लग गया तो वो बोल देंगे गेट तोड़ दिया, तो ऐसे ही ये पोटेंशियल हाई है इनका,
जगह छोटी सी है और बैठे हुए 10-15 लोग, समझ गए ना? छोटे घर में 10-15 लोग बैठे हुए बिल्कुल लड़ने को तैयार हैं, है ना? हाँ, 2-4 कम भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आराम हो जाएगा उनको, इसलिए भेज दो इसलिए ठीक है भाई ऐसा। तो फिगर 2.2 है ना, कहाँ गया फिगर 2.2, ये है भाई फिगर 2.2, अभी 2.1 है, 2.2 में चलते हैं अपन, फिगर 2.2 में चलिए, 2.2 फिगर। यस, ये आ गया फिगर 2.2। हाँ देख लीजिए, फिगर 2.2 है ये अपने पास, ठीक है ना? फिगर 2.2। तो क्या हो रहा भाई, देखिए इसमें ये अपने पास पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, है ना? तीन फिगर बने हुए हैं 2.2 में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1x1 करके इसको अपन डिस्कस करते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं। यस, इन फिगर 2.2 ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए इज ज्वाइन टू अ अनचार्ज कंडक्टर बी बाई अ मेटेलिक वायर, एक मेटेलिक वायर के थ्रू जोड़ रखा है। द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द अनचार्ज कंडक्टर बी टू अ चार्ज कंडक्टर ए टू बैलेंस द डेफिसिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर ए। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस टिल बोथ द कंडक्टर्स हैविंग इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए इस चीज को अब समझते हैं, ये क्या मामला है। ये देखिए भाई, आपके पास ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इसके ऊपर टनाटन पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव, ये न्यूट्रल है। ओके, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज। पॉजिटिव का मतलब कब आता है? जब डेफिशिएंट होता है ना, तभी चार्ज आता है। तो ये न्यूट्रल है, अनचार्ज है। अनचार्ज कंडक्टर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, अच्छा, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या करेगा? बैलेंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जीरो पे है और ये प्लस पे है। बोलो यस और नो। तो दोनों इक्वल पोटेंशियल पे आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे, बताओ? आना चाहेंगे। तो ये जीरो पे है, ये प्लस पे है, ठीक है ना? तो ये क्या करना चाहेगा? इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कनेक्टेड है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज गेन करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। तो फ्लो इस तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना? सो क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनचार्ज कंडक्टर बी टू अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए। अनचार्ज कंडक्टर बी से पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे। क्लियर हुआ? यस। तो यही बात कह रहा है कि ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए इज ज्वाइंड विद अनचार्ज कंडक्टर बी बाय अ मेटेलिक वायर, है ना? देन द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द अनचार्ज कंडक्टर बी टू अ चार्ज कंडक्टर ए टू बैलेंस द डेफिशिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर ए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टिल बोथ कंडक्टर्स हैव इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब तक चलेंगे जब तक कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की इक्वल कंसेंट्रेशन ना हो जाए, है ना? अब मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर इक्वल चार्ज, आपने तो कहा था कि चार्ज इक्वल होने की बात ही नहीं है यहाँ पे, पोटेंशियल इक्वल होने की बात है। बेटा तो एक साइज वो दोनों का सेम है यहाँ पे, तो जब दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो जो तेरे लिए होगा वो मेरे लिए होगा। तो बात ये होती है, जहाँ पे बॉडी सेम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी आधा खाओ मैं भी आधा खाऊं, समझ में आया ना? यस। तो ये हाल हो जाएंगे इसके, ठीक है ना? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन तब तक इससे चलेंगे जब तक कि दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, ठीक? ओके, यस, ये हो गई एक बात। चलिए फिगर 2.2b देखते हैं, 2.2b को देखते हैं क्या कह रहा है 2.2b। ये देखिए, देख लीजिए पहले फिगर, तो इसको पढ़ लेते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनचार्ज कंडक्टर बी टू ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए, पढ़ चुकी है। 2.2b को देखें बेटा अपन यदि, तो देखो हो क्या रहा है, नेगेटिवली चार्ज है ये और ये अनचार्ज कंडक्टर है, तो फिर से वही होगा भाई, नेगेटिव चार्ज है। ओके, नेगेटिव चार्ज है तो यदि देखा जाए तो इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है, तो चार्जेस जो होते हैं ऑलवेज ट्रेवलिंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, समझ गए ना? सो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर ए टू द अनचार्ज कंडक्टर बी। चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थर्ड वाला पॉइंट जो है,
तो ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ओके, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको देखते हैं। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर फिगर 2.2, ए नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर ए इज ज्वाइंड विद अ मेटेलिक वायर टू एन अनचार्ज कंडक्टर बी। एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर ए है जो कि ज्वाइन किया हुआ है अनचार्ज कंडक्टर बी से। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर ए विच इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अनचार्ज कंडक्टर बी विच इज न्यूट्रल, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब ज़्यादा पोटेंशियल पे है, ये न्यूट्रल है मतलब कम पोटेंशियल पे है। दिस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स व्हेन द टू कंडक्टर हैव द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही दोनों के पास इक्वल इक्वल हो जाएंगे वैसे वो रुक जाएगा, है ना। जैसे इसके पास कितने हैं भाई, जीरो है अभी, तो इसके पास कितने दिख रहे हैं, मान लो आठ दिख रहे हैं, तो आठ से चार ट्रेवल कर गए तो इसके पास भी चार हो जाएंगे और इसके पास भी कितने बचेंगे, चार बचेंगे, चार चार पोटेंशियल सेम क्योंकि साइज सेम है, तो चार ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगी, इक्विपोटेंशियल बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए फिगर 2.2 सी में आ जाइए, मतलब इस वाले में क्या बातें कही जा रही हैं। लेट्स रीड। टू चार्ज कंडक्टर ए एंड बी आर ज्वाइंड बाय ए मेटेलिक वायर, द कंडक्टर ए इज पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द बी इज द नेगेटिवली चार्ज। द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर बी विच हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्टर ए। यस, देखो भाई अब ये यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे बी से ए की तरफ चार्ज क्यों चलेगा। इसके पास क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये पॉजिटिवली पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिवली पोटेंशियल पे है, इसको कमी है और इसको क्या है, अधिकता है, इस पर एक्सेस है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ से यहाँ की ओर चलेंगे क्योंकि इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है चलने लायक, इसी के पास है। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ चलना शुरू कर देंगे। भाई पॉजिटिव पार्टिकल को चलने का अधिकार है ही नहीं है, बिकॉज व्हाट इज पॉजिटिव, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, कोई पार्टिकल तो है नहीं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव ही होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली होता है और इलेक्ट्रॉन की कमी जब हो जाती है तो पॉजिटिव आ जाता है। yes, मतलब ये भूखा बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करेगा। yes, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करेगा हर मामले में, इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करता है। देख लो पहले वाले में इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल किया है, दूसरे वाले में भी इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल किया है और तीसरे वाले में इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करेगा। प्लस को चलने का अधिकार नहीं है, समझ गए ना, प्लस केवल न्यूट्रलाइज होता है इलेक्ट्रॉन की मदद से। जब ये जैसे ये मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये चल करके आ जाएगा तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये आ जाएगा तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये आ जाएगा तो इसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आया ना, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों के पास इक्वल चार्ज ना हो जाए। ओके, जब क्योंकि साइज सेम है। यस, सो द टू चार्जेस कंडक्टर ए एंड बी आर ज्वाइंड विद ए मेटेलिक वायर, द टू कंडक्टर ए द कंडक्टर ए इज पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द कंडक्टर बी इज नेगेटिवली चार्ज। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर बी विच हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्टर ए विच हैज डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस मीन्स दिस इज डेफिशिट इन इलेक्ट्रॉन, ये जो ये वाला है थर्ड वाला, इसको कमी है, डेफिसिट है। ओके, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टिल देयर इज ए इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द टू कंडक्टर्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों में इक्वल चार्जेस ना हो जाएं। ऑन ज्वाइनिंग द टू कंडक्टर्स बाई ए मेटेलिक वायर और बाई प्लेसिंग देम इन कॉन्टेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम इज एक्सप्लेन्ड बाई द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से तय होता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम इज एक्सप्लेन्ड बाई द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर पॉजिटिव और हाई एंड द नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर इज नेगेटिव और लो। ऑन ज्वाइनिंग द टू कंडक्टर कीपिंग देम इन कॉन्टेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। यस, पॉजिटिवली चार्ज का पोटेंशियल हमेशा हाई माना जाता है, नेगेटिवली चार्ज का पोटेंशियल हमेशा लो माना जाता है। तो बेटा कॉपी में लिखो इसको जल्दी से,
लिखो ऑन ज्वाइनिंग द टू कंडक्टर्स, ऑन ज्वाइनिंग द टू कंडक्टर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल, इज फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल. लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिख लेना. लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव पोटेंशियल बोला जाता है. लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल. टू द हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर. ओके, लोअर टू हायर पोटेंशियल चलता है कौन? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लोअर टू हायर पोटेंशियल चलता है. कब तक चलता है? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए. जब तक दोनों बॉडीज के पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक वो चलेगा. यस. दस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज इट्स इलेक्ट्रिक स्टेट. यस, ये एक अवस्था है, ये एक स्टेट है. स्टेट विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज व्हेन इट इज जॉइंड विद सम अनदर कंडक्टर. समझ गए ना? जैसे कि मान के चलो अपन दोनों कंडक्टर बैठे हुए हैं, यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हैं, अपन दोनों कंडक्टर हैं. तो यहाँ पे मैं हाई पोटेंशियल पे हूँ और आप लो पोटेंशियल पे हो. तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है हमेशा हाई टू लो चलता है. पॉजिटिव वैसे ट्रेवल ही नहीं करता है, बट नेगेटिव चार्ज जो होता है वो लो टू हाई पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो से हाई में जाएंगे. अभी पढ़ा ना ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो से हाई में जाएंगे. तो यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अवस्था है, एक स्टेट है, जो बताता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रेवल होगा, है ना. अब मैं बोलता चार्ज हूँ, चार्ज में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज भी निगेटिव चार्ज भी. बट यार अपन कंडक्टर वाले हैं, है ना. तो कंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रेवल करते हैं, एंड दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल. क्लियर हुआ? दस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इट्स इलेक्ट्रिक स्टेट विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन इट इज जॉइंड विद सम अदर कंडक्टर. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल. इन अदर वर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये देख लो, अगर आप पॉजिटिव चार्ज उपलब्ध करा दो तो हाउस हायर से लोअर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप पॉजिटिव चार्ज चार्ज ट्रेवल करने की उसके अंदर ताकत हो तो वो हायर टू लोअर चलेगा. समझ गए ना? एनी प्रॉब्लम? यस. तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. समझ गए? एनी प्रॉब्लम? यस. सो दिस इज एनालॉगस टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट. अगर किसी हाइट से छोड़ा जाता है कोई बॉल को तो कहाँ आती है? नीचे आती है. तो पॉजिटिव चार्ज के जैसे ट्रीट करती है हायर टू लोअर, क्योंकि ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और नीचे आके कितनी हो जाती है? जीरो. तो हायर टू लोअर पे गिरती है. ओके, दिस इज एनालॉगस टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम द हाइट. द मोशन ऑफ द बॉडी रिलीज फ्रीली फ्रॉम द हाइट इज ऑलवेज फ्रॉम अ हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फ्रॉम अ मोर हाइट टू अ लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज टू अ लेस हाइट. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस. आप जितनी हाइट पे जाते जाओगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा. समझ गए ना? जितनी हाइट पे जाओगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा. फॉर्मूला भी होता था पोटेंशियल एनर्जी का, MgH. याद आया भाई? यस. तो वहाँ से ये हो गया, ठीक है ना. चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट अपना पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन, की पोटेंशियल होता क्या है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं. ये हो गए, तीनों चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. द पोटेंशियल इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडीज इज नेगेटिव. ऑब्वियसली यार, अगर आपके पास प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा. yes, और किसी के पास नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे तो वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा. ओके, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. डन डन. चलिए नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे करते हैं? अभी तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे करते हैं.
एज अ हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल, ये भैया जो हमारे हाइट मेज़र की जाती है, कहीं भी आप चले जाओ, घूमने चले जाओ हिल स्टेशन पे, तो या हिमालय, हिमालय जो अपना पर्वत है, पहाड़ है, उसकी हाइट किससे मेज़र की जाती है? सी लेवल से, क्योंकि दुनिया के सारे सी लेवल सेम लेवल पे हैं, ये माना गया, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो सेम लेवल पे रहता है, एकदम निचले लेवल पे रहता है, पानी की आदत होती है, तो दुनिया के सारे सी लेवल सेम लेवल पे हैं, है ना, पृथ्वी गोल है, सारे सी लेवल अर्थ की सरफेस पे लेवल पे हैं, समझ गए ना, पहाड़ वहाड़ जो भी है इनके ऊपर, तो इनकी हाइट हमेशा किससे नापी जाती है बेटा? सी लेवल से, क्लियर हुआ? तो एज हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल, द पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी इज मेजर्ड बाई एज्यूमिंग द अर्थ पोटेंशियल टू बी जीरो, तो जो किसी भी बॉडी का पोटेंशियल है वो किसके रिस्पेक्ट में माना जाता है? अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना गया है, समझ गए ना, अर्थ इज लाइक अ बिग कंडक्टर, रिफरेंस जीरो उसको, सो अर्थ इज वेरी बिग कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल्स रिमेन्स अनएफेक्टेड, इट्स पोटेंशियल्स रिमेन्स अनएफेक्टेड वेदर सम चार्ज इज इम्पार्टेड टू इट और सम चार्ज इज विड्रॉन फ्रॉम इट, मतलब अगर आप अर्थ से थोड़ा सा चार्ज ले लोगे या थोड़ा सा चार्ज दे दोगे, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, इतना बड़ा कंडक्टर है अर्थ, अर्थ इतनी बड़ी कंडक्टर, तो अर्थ को जीरो पोटेंशियल पे माना गया है, तो अर्थिंग जो होती ना, अर्थिंग घर में देते हैं, वो जीरो वोल्टेज पे होती, जीरो वोल्टेज पे, जीरो पोटेंशियल पे, समझ गए ना, विड्रॉन फ्रॉम इट, सिमिलर एज द लेवल ऑफ वाटर इन सी इज अनएफेक्टेड बाई एडिंग इन इट विड्रॉइंग सम वाटर फ्रॉम इट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अगर समुद्र में तुम एक लोटा पानी डाल दोगे या निकाल दोगे तो क्या समुद्र का लेवल बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, लाइकवाइज अर्थ है कि थोड़ा सा चार्ज दे दो या ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ए बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज हैज इट्स पोटेंशियल पॉजिटिव अबव जीरो एंड ए बॉडी हैविंग नेगेटिव चार्ज हैज पोटेंशियल नेगेटिव बिलो जीरो, तो अर्थ को रेफरेंस मान लिया जीरो पे, और अगर कोई बॉडी इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव, और इसके नीचे अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा, यस, एज बाई एडिंग द वाटर इन अ वेजल द लेवल ऑफ द वाटर इन द राइस इज लाइक एक खाली गिलास रख दो आप, समझ गए ना, तो अगर आप ऊपर इसमें जा रहे हो तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका लेवल बढ़ेगा, ठीक ना, एज बाई एडिंग द वाटर इन द वेजल द लेवल ऑफ द वाटर इन इट राइजेज एंड इम्पार्टिंग हीट टू द बॉडी द टेम्परेचर राइसेस, सिमिलरली वेन चार्ज इज गिवेन टू द कंडक्टर पोटेंशियल इंक्रीजेस, तो जिस तरीके से किसी बॉडी में आप अगर कोई चीज फीड करो, पानी भरो, या कोई ब्लॉक है उस ब्लॉक को गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? राइस होगा, yes, समझ गए ना, यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से क्या बढ़ रहा है? उसका हीट पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ पर आप पानी के लेवल की वजह से क्या बढ़ रहा है? उसका हाइड्रोलिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, या उसकी एनर्जी बढ़ रही है, प्रेशर एनर्जी बढ़ रही है, ठीक उसी तरीके से कह रहा है कि सिमिलरली वेन चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है, समझ गए, तो कॉपी में लिखो कि चार्ज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, जितना आप बॉडी को चार्ज दोगे उसका पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा, ओके okay? अब आइए अर्थिंग देखते हैं बेटा, अगर आपके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और आपने उसको अर्थिंग कर दिया क्या हाल होने वाले हैं? देखो भाई, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आपने अर्थिंग कर दिया, यदि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, तो बेटा मैंने बताया था कि अर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और ये प्लस को समाप्त कर देंगे और ये बॉडी फाइनली क्या हो जाएगी? न्यूट्रल, जीरो। हम अर्थिंग क्यों करते हैं चीज़ों को? न्यूट्रल करने के लिए, जिससे कि चार्ज बैठा ना हो, क्योंकि अगर चार्ज बैठा होगा और कोई टच करेगा तो चार्ज उसकी बॉडी में आ जाएगा और चार्ज बॉडी में फ्लो कर जाएगा, मतलब करंट फ्लो हो जाएगी, सो दैट्स व्हाई वी वांट इट मेक इट न्यूट्रल, हम इसको क्या करते हैं? न्यूट्रल करते हैं, समझ में आया? तो हम इसको न्यूट्रल कर दिए यहाँ पे, ओके, यस, तो इफ ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज अर्थ वी कैन से दैट द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर पासिस If a positively charged conductor is earth, we can say that the positive charge of the conductor passes to the earth. हाँ, हम ये बोलते हैं कि इसका पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया, ऐसे समझते हैं हम ऐसा, कि इसके ऊपर प्लस था
और जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, तो पूरा का पूरा चार्ज निकल करके चला गया। बट एक्चुअली होता ऐसा नहीं है, होता क्या है, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आकर के इसको कैंसिल करता जाता है, ये बॉडी न्यूट्रल को जाती है, लिखा हुआ है। बट इट डज नॉट हैपन एक्चुअली, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ कमिंग ओके एंड मेक इट न्यूट्रल। ओके, समझ में आ गया। यस, तो अभी अभी जो मैं बात कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन्स के फेवर में ही बात कर रहा था, क्योंकि जो भी मेटल में फ्लोइंग होती है वो इन द टर्म्स ऑफ केवल इलेक्ट्रॉन होती है, कोई पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल नहीं करता है मेटल में, हमेशा निगेटिवली ट्रेवल करता है। तो रिमेंबर दैट इन मेटल्स द इलेक्ट्रिक फ्लो इज ओनली ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नॉट ड्यू टू द मोशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनको तो हिलने की मंजूरी नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे बस। बट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl सॉल्यूशन, NaCl, तो बेटा मेरे वहाँ पे प्लस भी बनता है और माइनस भी बनता है, तो इलेक्ट्रोलाइट में दोनों आयंस को चलने की परमिशन होती है, बट इसमें नहीं होती है। ओके, ओनली इलेक्ट्रोलाइट द इलेक्ट्रिक फ्लो इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर आप बनाते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मतलब पॉजिटिव चार्ज भी चलते हैं और नेगेटिव चार्ज भी चलते हैं, तो वहाँ पे दोनों चार्जेस मूव करेंगे, बट इन द केस ऑफ कंडक्टर केवल एक चार्ज मूव करेगा। बोलो, इतना आया समझ में? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ओके, यस। तो नेक्स्ट देखते हैं, यस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ करते हैं वो चलते हैं जमीन से, वो चलते हैं जमीन से, ये लिखा हुआ है। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द कंडक्टर एंड मेक इट अनचार्ज, ब्रिंग इट टू जीरो पोटेंशियल। ये जो इसके ऊपर प्लस था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मिलता जाएगा ये न्यूट्रलाइज होता जाएगा, तो फाइनली किस में आ जाएगा, ये जीरो वोल्ट में आ जाएगा कि नहीं आएगा? जीरो पोटेंशियल पे ये आ जाएगा, ठीक ना। ऑन द अदर हैंड इफ ए निगेटिवली चार्ज कंडक्टर इज अर्थड, अब देखो अगर आप निगेटिवली चार्ज कंडक्टर की बात कर लो, अगर उसकी अर्थिंग कर दी जाए निगेटिवली चार्ज कंडक्टर की, ये बना हुआ है निगेटिवली चार्ज कंडक्टर, ये देखो ये निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, अगर दूसरी तरफ अगर आप इसकी अर्थिंग कर दो, ठीक है ना, तो इसमें निगेटिवली चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन सारे इन एक्सेस, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है नीचे कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, मतलब अब ग्राउंड किसके जैसे काम कर रहा है, एक पॉजिटिव स्फीयर के जैसे, और यहाँ पे किसके जैसे काम कर रहा था, एक नेगेटिव के जैसे, तो ग्राउंड लेता भी है और देता भी है, उससे उसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से आप एक समंदर में पानी डाल दो या निकाल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आया समझ में? निगेटिवली चार्ज कंडक्टर इज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कंडक्टर मूव फ्रॉम द अर्थ एंड कंडक्टर्स बिकम्स अनचार्ज्ड एंड अटेन्स द जीरो पोटेंशियल, और कंडक्टर जो होता है जीरो पोटेंशियल अटेन कर लेता है। ओके, ऑब्वियसली द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेट टू बी पॉजिटिव, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेट टू बी पॉजिटिव व्हेन अर्थिंग द पॉइंट, चार्ज फ्लोस फ्रॉम द पॉइंट टू द अर्थ और इलेक्ट्रॉन्स फ्लोस फ्रॉम द अर्थ टू दैट पॉइंट। On the other hand, if the charge flows from the earth towards that point, the electron flows that point towards the earth. The point is potential lower than that of the earth. This point is said to be negative potential. वही जो मैंने पढ़ा वही इस चीज को इन लोगों ने बता दिया है कि अगर ये इस पे आते हैं डायग्राम पे वापस, इनका कहना है कि अगर अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब जो आपकी बॉडी है बाहर वाली पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, और अगर अर्थ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आपकी जो बॉडी है वो नेगेटिवली पोटेंशियल है। बस इस लाइन को थोड़ा सा बड़े तरीके से कह दिया है, समझ गए, द पॉइंट इज सेट टू बी नेगेटिव पोटेंशियल, यही चीज है, ठीक है ना। एज द लेवल ऑफ वाटर इन अ वेजल राइजेस व्हेन वाटर इज एडेड टू इट एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेस वेन हीट इज इम्पार्टेड टू इट, सिमिलरली द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस वेन चार्ज इज गिवेन टू इट। अगर किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, समझ में आया ना, उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ओके, वी नो दैट टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर,
वाइल द टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वन की बात है. हैंस सम वर्क इज डन मूविंग द चार्ज इन द वेंसिटी ऑफ अनदर चार्ज इफ ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम द फार डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स इन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द चार्ज क्यू सिंस द फोर्स ड्यू टू क्यू ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज जीरो वेन एट इन्फिनिटी देयर फोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कैन बी एज्यूम टू बी जीरो एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी मेजर्ड बाई द अमाउंट ऑफ द वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. देखो भाई ये जो मैंने पढ़ाई थी अब ये कह रहे हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए. किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे किया जाए. तो इसको आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. आइए इसको समझाता हूँ मैं आपको. यस हाँ चलिए देखते हैं अब इसका मीनिंग क्या है इस चीज की जो इन्होंने बात बताई. मेन चीज क्या सी कि आज के अपन ने टॉपिक में कि जो जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ से कहाँ चलता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है. एक लाइन तो ये मेन समझ में आई हम लोग को, ठीक ना. नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल. जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल. अब इनके कहने का मतलब है कि मान लो ये कोई चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, अब इससे करोड़ों किलोमीटर दूर कोई एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, तो क्या इस पे इसकी कोई एनर्जी का असर होगा? नहीं होगा. क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा? नहीं. मतलब ये कितने वोल्ट पे है? यहाँ पे जीरो वोल्ट पे है, जीरो पोटेंशियल पे है, है ना. इस लाइन का मीनिंग यही है कि ये जीरो पोटेंशियल पे है. सो वी नो दैट द टू लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर. हम जानते हैं कि दो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल ईच अदर करते हैं, है ना. ऑन लाइक और अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट होते थे एक दूसरे को. हैंस सम वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज इन द वेंसिटी ऑफ अनदर चार्ज. तो अगर आप एक चार्ज को दूसरे की वेंसिटी में ला रहे हो, सपोज ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो जैसे यहाँ पे तो जीरो पोटेंशियल है, इस पे इस पर कोई रिपल्सन नहीं है, बट जैसे लाते जाओगे रिपल्सन बढ़ता जाएगा ना. बोलो. Yes, यहाँ पे एक मुक्के का फोर्स है, यहाँ पे दो मुक्के का, और आप पास लाओगे ज्यादा मुक्के बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये बोलेगा मैं भी पॉजिटिव हूँ तू भी पॉजिटिव है, भाई क्यों आ रहा है. मतलब मुझे इसकी वेंसिटी में इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, बेशक मुझे वर्क करना पड़ेगा. ओके. यस. सो सम वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज इन द वेंसिटी ऑफ द अनदर चार्ज. ठीक है भाई. यस. Now, if a test charge Q naught is brought from a far distance in electric field of a charge Q, we have to do some work against the repulsive force on the test charge Q naught due to the charge Q. Yes, sir. Since the force due to the charge Q on the test charge Q naught is zero, is infinity mein zero tha. When it is infinity, therefore the electric potential at infinity can be assumed to be जीरो. तो भैया पहली लाइन बनाओ, वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो. कॉपी में लिखो, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है ना. काम की बात, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है. इन्फिनिटी पे जीरो होता है. एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी मेजर्ड बाई द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ठीक है ना. अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप लाने में कितना काम करे हो यहां तक, वही उस पॉइंट पर किया गया वर्क डन, वहां तक लाने में किया गया वर्क डन ही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा. समझ गए? Yes, sir. अगर आप यूनिट चार्ज को लेकर के आते हो तो
तो यूनिट चार्ज को लेकर के किसी पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ा, सपोज दिस पॉइंट इज पी, तो उस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कहलाएगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी, अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिखते जाओ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट, समझ गए ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, उस पॉइंट तक लाने में, तो जिस पॉइंट तक लाओगे वहीं का पोटेंशियल निकलेगा, आगे तक लेकर क्या होगे तो आगे का पोटेंशियल निकलेगा, आगे तक लेकर क्या होगे तो और आगे का पोटेंशियल निकलेगा, समझ गए ना, मतलब जिस पॉइंट पर, क्योंकि जहां तक काम करोगे वहां तक की मेहनत स्टोर होगी, और आगे लाओगे तो और मेहनत स्टोर होगी, बोलो यस और नो, है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके, यस दैट पॉइंट। बट द यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्लस वन कूलम चार्ज इज इमेजिनरी, ये चार्ज क्या है, इमेजिनरी है, प्लस वन कूलम। सो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट वी फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड टू द ब्रिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इंस्टीड ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एंड डिवाइड द वर्क बाई द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज टू गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट पॉइंट। हियर वी एज्यूम दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ द टेस्ट चार्ज। हाँ, अब बहुत काम की चीज़ें आ गई, तीन चार लाइनें समझो भैया, ये तीन चार लाइनें क्या हैं। अब इनका कहना है कि आपके पास हमेशा प्लस वन कूलम रहेगा, ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है, और आपके पास ये सोर्स चार्ज बैठा हुआ है, तो आप एक काम करो, आप क्यू नॉट चार्ज को लेकर के आओ, जो आपके पास हाथ में है, आप क्यू नॉट चार्ज को लेकर के आओ। सपोज आप इस पॉइंट तक लेकर के आ गए, आपको वर्क डन करना पड़ा डब्लू, तो आप लिख सकते हो कि भैया क्यू नॉट चार्ज को घसीट करके लाने में कितना काम करना पड़ा डब्लू वर्क डन, तो यूनिट चार्ज को घसीट के लाने में कितना काम करना पड़ेगा डब्लू अपॉन क्यू नॉट, समझ गए ना। सो दिस इज कॉल्ड, सपोज ए पॉइंट पी है, सो दिस यू कैन से दैट दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू डब्लू बाई क्यू नॉट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, समझ गए ना। तो लिख लो फॉर्मूला, वी पी एनी पॉइंट पी पोटेंशियल, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी दैट इज इक्वल्स टू डब्लू इन्फिनिटी टू पी, ले और सुंदर, डब्लू इन्फिनिटी टू पी वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का, इन्फानाइट से लेके पी तक का होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड वी एट पॉइंट पी। एनी प्रॉब्लम? यस, ठीक है ना, वी एट पॉइंट पी, ठीक है, ओके। तो ये बन गया पोटेंशियल, इसको डब्लू डायरेक्टली डब्लू बाई क्यू नॉट भी लिखते हैं लोग, है ना, बुक में डायरेक्टली वी डब्लू नॉट बाई क्यू लिखा हुआ है। चलिए, हाँ, इसमें ये कह रहा था, एक चीज़ याद रखना आपको, कोई पूछ सकता है कि भाई आप ये बताओ कि जैसे आप लाते हो चार्ज, ये अपने पास सोर्स चार्ज था, क्यू का सोर्स चार्ज था, और ये टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट था ना, तो भाई ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो ये भी तो देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए ना। बट पोटेंशियल की काउंटिंग करते समय अपन को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगलेक्ट मानना है, क्या मानना है, नेगलेक्ट, मतलब अपन इसके रीजन में एनर्जी काउंट करना चाह रहे हैं, अपन ये नहीं कि इसी के एनर्जी में इसकी एनर्जी दौड़ा दे, समझ गए ना। अपन देखना चाह रहे हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है इस पॉइंट पे, इस कप, इस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितनी एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, वो ये एनर्जी फील करेगा। अब ये नहीं कि मैं इसकी भी एनर्जी बोल दूँ कि ले भाई मेरी तो नाप, तू अपनी भी नाप, नो 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 नो। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो चार्ज होना चाहिए दिस शुड बी वैनिशिंगली स्मॉल, है ना। तो क्या लगाया जाता है, लिखते हैं अपन लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्यू नॉट टेंस टू जीरो, समझ गए ना। yes, भाई हमें किसी की इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल नापना है तो इसका इम्पैक्ट नहीं लेना है अपन को। सो लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, सो दिस विल बी वर्क इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट, ये कहा गया इस लाइन में। ये देख लो, कह रहा है हियर वी एज्यूम दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ द टेस्ट चार्ज, ठीक है। यस, दस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट द वैल्यू टू दैट टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, ओके। यस, दस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज। हाँ, तो वर्क डन हो गया कितना, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी, और इन्फिनिटी टू ए सिंपली यू कैन से डब्ल्यू टू द वॉट, किसके साथ रेशियो करना है, टू द वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज, इसके साथ टेस्ट चार्ज की वैल्यू को डिवाइड कर दो। लेट डब्ल्यू इज द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए, अब ए पॉइंट तक खसका रहा है, तो कह रहा है पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, वी ए इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट। समझ में आया? सो नाउ दिस इज ए स्केलर, दिस इज ए स्केलर, दोनों स्केलर हैं। सिंस वर्क डन डब्ल्यू एंड क्यू नॉट बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, द पोटेंशियल इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। सही बात, स्केलर बाई स्केलर इक्वल टू स्केलर। इट मे बी मैंशनड हियर दैट इफ देयर इज ए चार्ज माइनस क्यू एट द पॉइंट ओ। अब भैया देखो, अगर कह रहा है कि पॉइंट ओ पर नेगेटिव चार्ज बैठा हो, पॉइंट ओ पर नेगेटिव चार्ज बैठा हो, अगर पॉइंट ओ पर, तो पॉइंट ओ कौन से पॉइंट की बात कर रहा है? डायग्राम तो बनाया नहीं इसने, है ना, हमें खुद ही बनाना पड़ेगा या अगली स्लाइड में दिया होगा डायग्राम। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इनका कहना है अगर पॉइंट ऊपर नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ, पॉइंट ओ मतलब जहाँ पे सोर्स चार्ज बैठा था, द वर्क इज डन बाई द इलेक्ट्रिक फोर्स इट सेल्फ ड्यू टू द अट्रैक्शन इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ए विल बी नेगेटिव। अब समझिए क्या लाइन कह रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका अभी आपने देखा था सोर्स चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है, सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो पहले क्या था, पहले हमको पॉजिटिव चार्ज के केस में वर्क डन करना पड़ रहा था, जबरदस्ती धक्का मानना पड़ रहा था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या कर, रिपेल कर रहा था। बट अभी ये नेगेटिव है तो ये खुद बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, खुद बुलाएगा पास में, समझ गए ना? यस सर, खुद बुलाएगा। तो दैट टाइम नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा, वो जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव, समझ गए ना, नेगेटिव वर्क डन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले इस चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा था, समझ गए ना, मतलब ये चार्ज खुद काम कर रहा था, ये वर्क कर रहा था, ठीक ना, अब ये इसको खुद बुला रहा है। पिछले बार ये इसके रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क कर रहा था, मतलब सिस्टम के अगेंस्ट वर्क कर रहा था, अब सिस्टम इसी पर काम कर रहा है, उल्टा पकड़ के ला रहा, आजा भाई। हाँ, समझ गए ना, तो पहले इसने काम किया था, अब इस पर काम हुआ है। तो अगर कभी चार्ज पर काम होता तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव बाई क्यू नॉट, मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकलेगा वो क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव आएगा। समझ गए? जब, सुन लो सीधी बात, जब आप सिस्टम पर काम करो, जब आप सिस्टम पे काम करो, तो बेटा वर्क डन पॉजिटिव होता है, और जब सिस्टम आप पर काम करे, सिस्टम के अगेंस्ट ना, सिस्टम के अगेंस्ट तो पहला वाला केस हुआ ना भाई, जब जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो सिस्टम के अगेंस्ट में कर रहे हो, और जब सिस्टम आप पे काम करे तो आप पर, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। इसको और एक्सप्लेन करता हूं, मान लो कोई स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग है, ठीक ना, वो स्प्रिंग है और आप जो है उस स्प्रिंग को दबा रहे हो, क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, ठीक ना, या खींच रहे हो, ज्यादा बेस्ट है खींच रहे हो, मान लो खींच लिया, तो आपने क्या करा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आपने पीछे की तरफ खींचा ना पकड़ के, तो आपने सिस्टम पे काम किया, तो आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अब खींच गई जितनी खींचनी थी, अब स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचेगी, पीछे की तरफ बाद में सिकुड़ेगी, क्योंकि बोलो हाँ, आपकी मर्जी नहीं भी है फिर भी आप चपक गए बिल्कुल यहाँ पे, बोलो हाँ। तो अब सिस्टम ने आपके ऊपर काम किया, पहले आपने सिस्टम के ऊपर काम किया, अब सिस्टम ने आपके ऊपर काम किया, तो आपका वर्क डन क्या होगा, आप पर इस समय वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो ये नेगेटिव वर्क डन की बात हो गई। चलिए तो ये देख लीजिए, तो इस समय पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। या डायमेंशन फार्मूला, यूनिट ऑफ वर्क बाई यूनिट ऑफ चार्ज, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और पर कूलम, तो जूल पर कूलम हो गया, समझ गए ना। वन जूल ऑफ वर्क, अब वन वोल्ट को डिफाइन करना है अपन को, वेरी सिंपल भाई, अगर एक जूल काम किया जाए एक कूलम पर, तो आंसर क्या आएगा, वन वोल्ट। भाई फार्मूला है ना, V इक्वल टू W बाई क्यू, तो ये Q नॉट, तो इसको भी वन ले लो, इसको भी वन ले लो, yes, तो वन बाई वन आंसर क्या बन जाएगा, वन वोल्ट। तो डिफाइन कर दो,
इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन पर कूलम इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज सेट टू बी वन वोल्ट. ठीक है ना, ये इसकी यूनिट निकाल ली है. जूल को क्या लिख सकते हैं अपन, जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड, कूला न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी नॉट पर सेकेंड, न्यूटन इंटू मीटर, बिकॉज वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर, और कूलम क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड. तो ले दे करके सॉल्व करके अब न्यूटन को सॉल्व कर दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर मीटर हो गया मीटर स्क्वायर. तो ये फाइनली यूनिट बन गई इसकी एसआई यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब. लिख लो बेटा इसको, नोट करो यहाँ से पूरा का पूरा ये डब्बा बॉक्स नोट कर लो. ये इसकी यूनिट है, एमपी बोर्ड्स वगैरह में कभी पूछ लेता है. तो जूल पर कूलम ही चलता, मैं तो जूल पर कूलम ही चल जाता हूँ, मगर फिर भी अगर तोड़ फोड़ करके पूछ ले मीटर एसआई यूनिट में, एमकेएस सिस्टम में, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा. ओके डन. ओके वेरी नाइस. सो ये हो गई यूनिट. ओके चलिए, तो ये यूनिट हो गई, यूनिट डायमेंशंस हो गए हमारे. चलिए अब इसकी छोटी छोटी यूनिट भी होती हैं, वेरी सिंपल. नाउ दस एसआई यूनिट तो हो ही गई है अपने पास. ओके एसआई यूनिट देख लो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर इनवर्स सेकंड की पावर माइनस थ्री, और इसका डायमेंशन फार्मूला ये हुआ करता है. इसका डायमेंशन फार्मूला नोट कर दो, एम एल टू टी की पावर, इसी से बना सकते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है. देखो कैसे बनेगा, किलोग्राम का क्या आ जाएगा, एम मास आ जाएगा, मीटर स्क्वायर क्या होती, लेंथ होती, तो लेंथ का स्क्वायर, एम्पियर तो एम्पियर है ये पहले से ही, और सेकेंड किस में नपता है, टाइम में. तो ये यूनिट आपको पता हो तो आप डायमेंशन बना ही सकते हो. तो बना लो बेटा, लिख लो डायमेंशन एम एल टू ए की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस थ्री. चलो अब इसकी सी जी एस यूनिट, तो सी जी एस यूनिट देख लो, सी जी एस यानी छोटी यूनिट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है पोटेंशियल की, दो यूनिट होती है सी जी एस में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. ओके तो सी जी एस में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बेटा क्या होता था फॉर्मूला अपने पास, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हाँ क्यू नॉट. तो वी को क्या बोलते हैं सी जी एस में, बोलते हैं बेटा स्टैट वोल्ट. क्या बोलते हैं, स्टैट वोल्ट. तो वर्क डन को किस में नापते हैं सी जी एस में, क्लास टेंथ में पढ़ा था, डाइन में बेटा, डाइन में. ओ सॉरी बेटा, डाइन में तो फोर्स को नापते हैं, मैंने ही गलती कर दी, अर्ग में. किस में नापते हैं, अर्ग में. और सी जी एस में चार्ज को किस में नापते हैं बेटा, कूलम में, स्टेट कूलम में, स्टेट कूलम. तो वर्ग वन अर्ग अपॉन वर्ग स्टेट कूलम. ये हो गई कौन सी यूनिट, सी जी यूनिट, सी जी एस यूनिट है ना, ई एस यू. कौन सी यूनिट, ई एस यू. अब सी जी एस में ही देखो ई एम यू, तो ई एम यू में होता कुछ नहीं बेटा, एब लग जाता है. क्या लगता है, एब. तो वन एब वोल्ट, वहां पे वन स्टेट वोल्ट लगता है, यहाँ पे वन एब वोल्ट. तो वन एब वोल्ट इक्वल टू वन अर्ग डिवाइडेड बाई वन एब कूलम, बस एब कूलम. ओके नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अब बेटा ये थोड़ा सा कई बार पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, वेल नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिलेशन. बेटा एक वोल्ट में कितने स्टेट वोल्ट होते हैं, वन बाई थ्री हंड्रेड, छोटा होगा ना. हाँ, भाई ये तो छोटा ही होगा. तो वन वोल्ट इक्वल्स टू वन बाई थ्री हंड्रेड स्टेट वोल्ट, मतलब वन स्टेट वोल्ट इक्वल टू थ्री हंड्रेड वोल्ट है ना. तो सी जी एस यूनिट में अक्सर होता नहीं है, मरे बड़ी है. तो क्या लिख सकते हो, लिखो कॉपी में, वन वोल्ट इक्वल्स टू वन बाई थ्री हंड्रेड स्टैट वोल्ट. तो मैं क्या कह रहा था कि वन स्टैट वोल्ट इक्वल टू थ्री हंड्रेड वोल्ट. हाँ वन स्टैट वोल्ट इक्वल टू थ्री हंड्रेड वोल्ट. ओके एंड वन वोल्ट इक्वल्स टू टेन टू द पावर एट एब वोल्ट, ये लिखो. ओके नॉट इम्पॉर्टेंट, वन वोल्ट इक्वल्स टू थ्री इंटू सॉरी टेन की पावर एट एब वोल्ट. एब वोल्ट डन. चलिए तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो पहले मैं अपनी भाषा में आपको समझा दूं, फिर समझाऊंगा.
ये अपने पास टेस्ट सोर्स चार्ज था बेटा, मान लो इन्फिनिटी से चले इस पॉइंट पर आ गए, ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा Vp, और यहाँ पे क्या होगा मतलब V, इसको B मान लो और इसको A मान लो, बोलो हाँ। तो बेटा देखो जाहिर सी बात है ये इसके पास में है, तो यहाँ पर लेवल ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा, तो ये होगा Va और ये क्या होगा Vb, तो Va ज़्यादा होगा और Vb कम होगा, तो इन दोनों के यदि मैं डिफरेंस की बात करूँ तो Vab के बीच का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू Va माइनस Vb, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है, एक्चुअली अपन बी से लेके ए की तरफ जा रहे हैं, बी से लेके ए की तरफ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ वी बी ए, वी बी ए, तो रूल होता पहले बाद वाला फिर पहले वाला, तो दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, समझ में आया ना? Yes, है ना, वी ए माइनस वी बी, जो आगे आ रहा वो हाई पोटेंशियल पे और जो पीछे आ रहा वो लो पोटेंशियल पे, समझ गए ना? अगर इसका उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, है ना, पीछे वाला मतलब रिस्पेक्ट, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए का पोटेंशियल हाई है, पीछे वाला रिस्पेक्ट में। चलो डिटेल करते हैं इसको। यस, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर टू द वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज। अब देखो भाई इसमें क्या एक का कह रहे हैं, इनका कहना है कि अभी आपने क्या किया था, अभी आपने बॉडी को इन्फिनिटी से लेके आए थे किसी पॉइंट तक, बोलो हाँ। अब मान लो आप बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ पर आ रहे हो, ये बी पॉइंट है ये ए पॉइंट है, समझ में आया ना? तो आप यहीं तक का वर्क डन ले लो ना पर यूनिट चार्ज, कि इन्फिनिटी का क्यों ले रहे हो भाई, आप यहीं तक का वर्क डन ले लो, तो बात भी सही है। कहाँ से खसका करके लेके आए, बी से लेके ए तक का वर्क डन, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको डेल्टा भी लिख लो, है ना, तो क्या लेंगे वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई पर यूनिट चार्ज, तो क्या निकलेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आया कि नहीं आया? ये निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलेंगे इसको वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए बाई क्यू नॉट, समझ में आया? कोई दिक्कत? डब्ल्यू बी ए बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू ए सॉरी डब्ल्यू बी ए बाई क्यू नॉट, ओके यस, सो लेट सी, ओके लेट देयर बी ए पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे टेस्ट सोर्स चार्ज अपने पास रहता ही हमेशा, वही तो पोटेंशियल देगा एट सोन, देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैपिटल ए वेक्टर ई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट होगा ना कि नहीं होगा? होगा, एक ट्रांसमिट करेगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, इफ देयर बी ए पॉजिटिव चार्ज टेस्ट नॉट टेस्ट चार्ज है बेटा क्यू नॉट है, है ना, कहाँ पर बैठा है ए पर बैठा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इट विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स क्यू नॉट ई, बेटा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक वन में पढ़ाया था कि अगर आपके पास ई फील्ड है और इस पे क्यू चार्ज बैठा हुआ है तो फोर्स होता था क्यू ई, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा क्यू नॉट ई, ठीक है ना, बस वही फोर्स की बात कर रहा है कि क्यू नॉट ई इस पर फोर्स लगेगा, लग रहा अच्छी बात है भाई, लगने दो। एक्टिंग ऑन इट देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी हायर देन एट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अब देखो ये बी पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होगा यहाँ पे क्योंकि पास में है, तो इस पर और ज़्यादा फोर्स लगेगा, लगेगा ना, लगेगा, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू ए और बी के बीच में इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन ए टू बी अपॉन क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए क्योंकि बी पर हाई है ए पर लो है, तो वी बी माइनस वी ए, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं वी ए बी, वी ए ए से लेके बी का बीच का पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस पहले बाद वाला फिर पहले वाला, ओके सो ये भी स्केलर क्वांटिटी है भाई, इसमें कुछ है नहीं कहने को मेरे लायक, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी मेंशनड हियर दैट द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ से कोई मतलब नहीं है, कोई सीधे लाइन में ही चल रहे हैं अपन, विच द चार्ज इज मूव बट इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ दोज पॉइंट, क्योंकि यार मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्ट में कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट आता है, आप चार्ज को लेके आओगे तो किसी पॉइंट पे आओगे ना, अब कैसे घूम घुमा के आ रहे हो उससे मतलब नहीं है, समझ गए ना, आपको मतलब उस पोजिशन से है, तो पोटेंशियल जो है उस पॉइंट पे आएगा पोटेंशियल, सो पोटेंशियल इज अ पॉइंट फंक्शन नॉट अ पाथ फंक्शन, लिख लो पोटेंशियल इज अ पॉइंट फंक्शन नॉट अ पाथ फंक्शन,
potential is a point function, not a path function. Thus, SI unit of the potential difference is also joule per coulomb, वही है क्योंकि कोई फर्क ही नहीं आया, ऊपर भी वर्क है नीचे भी coulomb है, joule per coulomb, इसका symbol भी है और dimension formula इसका बेटा वही है जो था ML2 T की power minus 3 A की power minus 1, ठीक है ना? Okay, तो that's it for the today and next class में अपन continue करेंगे, बहुत important derivation, potential at a point due to a point charge, ठीक है ना? चलिए.